नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रियंक वाजपेयी। हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। दोस्तों, दिल्ली नरेश केजरीवाल आजकल इसी सोच में पड़े होंगे। 80,000 की दारू गटक जाने का इल्जाम जो लग गया है। दिल्ली में कई जगह आपको रॉयल स्टैग गटकते केजरीवाल के चस्पा पोस्टर जरूर नजर आए होंगे, और इन पोस्टर को लगवाया है दिल्ली विधानसभा सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा ने। आजकल सिरसा खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि केजरीवाल नौटंकी के साथ साथ शराब पीने के भी जबर शौकीन है। इतने शौकीन कि जनाब कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में 80,000 की दारू अकेले गटक गए। ये वही केजरीवाल हैं जो खुद को आम आदमी बताकर कई बार अनशन के तौर पर जमीन पर लौटते पाए गए हैं। हाल ही में जारी आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कर्नाटक के सीएम की शपथ ग्रहण के दौरान होटल में ठहरने का बिल 1,83,000 रुपए आया, और इसमें दारू, मुर्गा, मटन सब इंक्लूड है। इस खर्चे का हिसाब भी दिल्ली सरकार से मांगा गया है, और इस रिपोर्ट के जारी होते ही केजरीवाल सोशल मीडिया में ट्रोल हो गए, और दारूबाज केजरीवाल, अय्यास केजरीवाल जैसे कई हैशटैग सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड करने लगे। वैसे तो केजरीवाल का यह कोई नया विवाद नहीं, इससे पहले भी केजरीवाल सरेआम थप्पड़, जूते और कालिक पोते जाने जैसे वारों का सामना डटकर करते आए हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इन आरोपों को लेकर कंट्रोवर्सी किंग केजरीवाल का क्या रिएक्शन होता है। क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल 80,000 की दारू गटक गए हैं? इस वीडियो से जुड़ी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।